राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे गो सेवा हो या भगवत सेवा, सेवा जितनी है सेवक धर्म बहुत कठोर है। सेवक बनना बहुत कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर बल चरऊं धर्म असमोरा। सेवक बनना बहुत कठिन है। सेवा अपराध से नष्ट हो जाती है,
सेवक को सदा अपराधों से बचना चाहिए। क्योंकि नारद जी ने प्रचेता गणों को जो भक्ति को उपदेश दिया था, वो उपदेश थोड़ा ही है लेकिन बड़ा मार्मिक है। तीन चार श्लोकों में उन्होंने प्रचेता गणों को सिद्ध बना दिया। सदगुरु मिल गया तो भगवान मिल गए। क्योंकि सदगुरु ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। नारद जी ने अपनी शिक्षाओं में चौथे स्कंद में 31वें अध्याय में उन्होंने प्रचेता गणों को शिक्षा दिया है। प्रचेता गणों भगवान वश में हो जाते हैं ये निश्चय समझ लो। जब तुम निर्मल मन से भगवान को बुलाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ना आवे। सर्वतः पाणिपादं तत् भगवान ने गीता में कहा है। ब्रह्म सबसे बड़ा है क्योंकि सर्वतोक्षिशिरो मुखं 13वें अध्याय में 13वां श्लोक है। अर्जुन उसकी सब जगह आंखें हैं, उसका सब जगह सिर है, सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह उसके पांव हैं, इसलिए उसको आने में देर नहीं लगती, सुनने में देर नहीं लगती, देखने में देर नहीं लगती। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। उसका उसकी आंखें कहां नहीं है, उसका मुख कहां नहीं है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके उसके कान कहां नहीं है। सर्वमावृत्य तिष्ठति सब जगह है, कण कण में है, रोम रोम में है, कहां नहीं है। आवश्यकता है हम निर्मल मन से उसको बुलावें। फिर वो आएगा और धक्का मारने पर भी नहीं जाएगा। ब्रज गोपियों के यहां श्री कृष्ण
एक जगह एक बार नारद जी ब्रज में आए और उन्होंने एक तमाशा देखा। एक गोपी एकांत में जमुना जी के किनारे निकुंज मंदिर में योगियों की तरह आंख बंद किए ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या योग मार्ग पर चल रही है? योगी ये गोपियों तो सहज में इस दिन रात श्री कृष्ण गुण गाती हैं। गायंती चैनम अनुरक्त धियो शुरुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयाना। गोपियों की साधना जगह जगह यही कही गई है। ये श्लोक दशम स्कंद के 14वें अध्याय में आता है। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखिंक नारवरुदितो क्षण मार्जनादौ गायंती चैनम अनुरक्त धियो शुरुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयाना। दिन रात श्री कृष्ण को गाती थी। कई जगह कहा गया वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये तीनों लोग पवित्र हो जाता है जब गोपियां श्री कृष्ण गुण गाती हैं। तीनों लोग पवित्र हो जाता है। तुम ये जो सदा गाती थी कृष्ण गुणगान और सदा बुलाया करती थी, आज ये ध्यान क्यों लगा रहे हैं? ये बंसीवारे तू मेरी गली आए जा रे बंसीवारे तू मेरी गली आए जा रे। आए जा रे प्यारे आए जा रे प्यारे ए मुरली बारे तू मेरी गली आए जा रे मुरली वारे तू मेरी गली आए जा रे। मोर मुकुट कानन में कुंडल मोर मुकुट कानन में कुंडल आ
मोर मुकुट कानन में कुंडल मोर मुकुट कानन में कुंडल झांकी तनक दिखाए जा रे प्यारे झांकी तनक दिखाए जा रे प्यारे हे 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 बंसीवारे तू मेरी गली आ जा रे बंसीवारे तू मेरी सदलोनी माखन की दौंगी सदलोनी माखन की दौंगी सदलोनी माखन की दौंगी शाम सदलोनी माखन की दौंगी शाम मिश्री मिश्री भोग लगा जा रे प्यारे मिश्री भोग लगा जा रे प्यारे आ जा रे प्यारे आजा रे प्यारे बंसी बारे तू मेरी गली आजा रे बंसी बारे तू मेरी गली आजा रे नारद जी ने सोचा ये गोपीजन ध्यानवान लगाती नहीं है इनकी साधना यही है गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो आंखों में आंसू और अनुराग से गा रही हैं धन्या व्रजस्त्रिय ये ब्रजगोपियां धन्य हैं उरुक्रम चित्तयाना श्री कृष्ण में इनका चित्त ऐसा लगा हुआ है कि अपने मन रूपी यान पर जैसे हवाई जहाज में बैठकर कोई उड़का पहुंच जाता है वैसे ही इनका चित्त ही यान बन गया है और एक क्षण में श्री कृष्ण को बुला देता है और श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं धन्या उरुक्रम ब्रजस्त्रीय उरुक्रम चित्त याना या इनका चित्त ही एक यान बन गया है तो ध्यान क्यों लगा रही हैं ध्यानवान नहीं करती थी गोपियां
तो उन्होंने सोचा इसी से पूछ के देखें। उस कुंज में घुस गए और वीणा बजाने लग गए। किसी को कैसे आकर्षित किया जाए रस मार्ग से, क्योंकि जानती हैं कि गोपियां रसमयी हैं, इनको कैसे जगाया जाए। वीणा बजाने लग गए। ब्रज गोपी ने आंख खोली, देखा नारद जी हैं। अरे नारद जी, बोले हाँ देवी जी, आप कैसे इस कुंज में आए और कैसे खड़े हैं यहाँ। नारद जी बोले कि मैं तो आश्चर्य में खड़ा हूं। बोले क्यों, आश्चर्य किस बात का है। बोले आप ध्यान योग पर जा रही हैं, आंख बंद है, क्या आपने योग मार्ग अपना लिया। आप तो अनुराग के साथ श्री कृष्ण को बुलाती हैं, गाती हैं, आपकी साधना यही है। गोपी बोली हाँ मैंने योग मार्ग का आश्रय ले लिया है। बोले इसीलिए हमको आश्चर्य हो रहा है। बोले आपने योग मार्ग क्यों अपनाया, आप तो जहां पर आप लोग गाती हैं वहां स्वयं श्री कृष्ण सौ सौ बार आते हैं, नाचते हैं, जाते ही नहीं हैं। एवं परिश्वंग करा विमर्श स्निग्धे क्षणो दाम विलास हासय। रेमे रमेशो ब्रज सिंधु भी सुंदरी भीर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। गोपियों के नाच गान में कृष्ण इतने आकर्षित हुए। एक कथाकार कहता था कि अर्भक बुद्धू बन गए, जैसे एक बच्चा लड्डू देख करके और वहीं अड़ा रहता है या अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। तो फिर आपको ध्यान की आवश्यकता क्या पड़ गई। गोपी बोली नारद जी आवश्यकता पड़ गई जब तो हम ध्यान कर रहे हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ी। बोले मैं योग इसलिए नहीं कर रही हूं कि श्याम सुंदर को बुलाना है, मैं निकालने के लिए ध्यान कर रही हूं। इस तरह से हमारे हृदय में घुसा हुआ है। आ उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, 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 चोर चोर गड़े, चोर चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। गोपियों ने कहा था कि तुम कहते हो योग करो,
अब कैसे निकसत सुनी सजनी, 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 तिरछे वै जुआड़े तिरछे वै जुआड़े, कोई चीज तिरछे होकर के जब गड़ जाती है तो निकलती नहीं है। ये छुरा मारने वाले सीधे से छुरा मार दें तो नहीं मरेगा कोई, छुरा मार करके टेढ़ा करके खींचते हैं, आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, तब मनुष्य मरता है। डॉक्टर सुई के इंजेक्शन लगाता है, यों बड़ी लंबी सुई होती है और सीधे खींच लेता है, कुछ नहीं होता। जब वही सुई तिरछे करके खींचता है तब गांठ पड़ जाती है। तो श्री कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, हमारे हृदय में घुस गए हैं और तिरछे होकर के अड़ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। अब कैसे निकसत सुनी सजनी, अब कैसे निकसत सुनी सजनी, तिरछे है जुआड़े तिरछे है जुआड़े, गोपाल 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 गोपाल, माखन चोर गणे माखन चोर गणे, माखन चोर गणे माखन चोर गणे, उर्मे माखन चोर गणे उर्मे माखन चोर गणे। वहां वे आ वहाँ यादव पति हैं सुनियत प्रभु, वहाँ यादव पति हैं सुनियत प्रभु, हमको लगत नाही बड़े हम, हमको लगत नाही बड़े हम। सुनते हैं यादव पति बन गए हैं वहाँ मथुरा में, लेकिन हमको बड़े नहीं लगते। यद्यपि अहीर यशोदा नंदन, यद्यपि अहीर यशोदा नंदन, यहां वे गाय चराते थे, अहीर का काम करते थे। यद्यपि अहीर यशोदा नंदन, यद्यपि अहीर यशोदा नंदन, तदपि तदपि न जात छड़े, कदपि न जात छड़े, उर्मे उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। गोपी बोली, नारद जी योग हम कर रही हैं श्री कृष्ण को अंतःकरण से बाहर निकालने के लिए। हमने सुना है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे चित्त में तिरछे होकर के फंस गए हैं, उनको निकाल बाहर करने के लिए हम योग कर रहे हैं। नारद जी ने माथा पकड़ा, अरे जिस ब्रह्म को ध्यान करने के लिए योगी लोग
लाखों लाखों वर्ष कोशिश करते हैं और ध्यान में नहीं आता, उसको निकालने के लिए गोपी कोशिश कर रही है और निकलता नहीं है। ये कैसा ब्रज है? इसीलिए होली में गाते हैं, कैसा है यह देश निगोड़ा, कैसा है यह देश निगोड़ा, देश निगोड़ा, कैसा है यह देश निगोड़ा, कैसा है ये, कैसा है यह देश निगोड़ा, 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 जग होरी यहाँ होरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, जग होरी यहाँ होरा, कैसा है यह देश निगोड़ा। मोते कहे तनक चल कुंजन, मोते कहे तनक चल कुंजन, मोते कहे हौ जमुना जल भरन जात ही, हो जमुना जल भरन जात ही, देख रूप मेरा गोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, देख रूप मेरा गोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा। हौ जमुना जल भरत जात ही, जमुना जल भरन जात ही, देख रूप मेरा गोरा, देख रूप मेरा गोरा, देख रूप मेरा गोरा, देख रूप मेरा गोरा। मोते कहे नेक चल कुंजन, मोते कहे नेक चल कुंजन, नेक चल कुंजन, नेक चल कुंजन, नेक चल कुंजन, नेक चल कुंजन। अरे वो नंद का छोरा तनक सनक से छोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, तनक सनक से छोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, तनक तनक से छोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, तनक तनक से छोरा, कैसा है देश निगोड़ा, कैसा है यह 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 देश निगोड़ा। आ कहे रस खान सिखाए सखन को, कह रस खान सिखाए सखन को, कह रस खान सिखाए सखन को, कह रस खान सिखाए सखन को, सब मेरा अंग टटोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा, सब मेरा अंग टटोरा, कैसा है यह देश निगोड़ा। तो श्री कृष्ण को धक्का मार के निकाला जा रहा है और अंतःकरण से निकल नहीं रहे हैं। गोपी योग कर रही है कृष्ण को भूलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो भूलती है और ज्यादा ज्यादा घुसते जाते हैं। उसका कारण क्या है? यही बात नारद जी ने प्रचेता गणों से कहा। प्रचेता गणों, कृष्ण से ऐसा प्यार करो कि धक्का मारो और बाहर नहीं जाएं। बोले अच्छा, ऐसा प्यार क्या संभव है? बोले हां, चाचा जी ने एक लीला लिखी है ब्रज प्रेमानंद सागर में।
कि एक गोपी ने पुराने जमाने में ब्रज में गोबर के लिपे मकान होते थे, या दोहने मथनोपलेप, उपलेप चौका देना, छप्पर होते थे, तो उसने सब दरवाजे बंद कर दिए और पानी भरने गई। बोले अब देखें कैसे चुराएगा माखन। तो श्री कृष्ण बोले ये बड़ी होशियार बने हैं, या के घर चोरी जरूर करनी है आज। दस पांच ग्वाल बाल आए इकट्ठा किए। बोले कैसे घुसेगो कन्हैया। बोले घुसवे को जरूरत नहीं है, सब छोरा रख पड़ो, छप्परे उठा लो और अलग रख दो छप्पर मकान से अलग, फिर कूद पड़ेंगे। वाह 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 भाई, चोर धन्य है। जब मकान में छत ही नहीं होगी तो कहीं से कूद पड़ेंगे। तो सबने छप्पर उठाया और दूर रख दिया और सब ऊपर से कूद पड़े। और इसको स्ते योग कहा गया है, भागवत में लिखा है वत्सान, ये आठवें अध्याय में दशम स्कंद में आठवें अध्याय में श्लोक आता है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, भक्षणों को खोल देते हैं, स्वाद्वत स्वाद्वत अत्य दधिपय कल्पतई स्ते योगई है। बोले स्ते योग तो हमने आज तक कभी सुना नहीं, मंत्र योग, नाद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, विषाद योग, ये तमाम योग सुन लिए, स्ते योग क्या है। बोले ये तो ब्रज में कृष्ण ने प्रकट किया, चोरी योग बना दिया, चोरी को योग बना दिया, ये तो कृष्ण की लीला है। कल्पतई स्ते योगई, अब स्ते योग तो है छप्पर उठा के अलग कर दिया और सब घुस गए। तो अब खूब चुराया और दो चार सीआईडी खड़े देख लो, जब पानी भर के आवे बता देना। तो जब देखा दूर से ग्वाल बालों ने कि आ रही है, तो किल्ली मारी। चोरों की अलग बोली होती है, वो प्राइवेट बोली होती है, सब समझ गए अच्छा आ रही है, तो उठाया छप्पर रख दिया और सब चले गए। वो आई देखा दरवाजा लग रहा है, आज चोरों की कोई पेश नहीं खाई, अब सब माल सुरक्षित है, चलो। किवाड़ खोल करके भीतर घुसी तो सब माट मटका भी गायब। बोले ई का भयो, और दिन तो माखन जाता हूं, आज तो माट मटका चले गए। बोले ये कैसी चोरी है। बोले भाई स्ते योग है, सुखदेव जी ने लिखा है भागवत में, कल्पतई स्ते योगई, ये चोरी को योग बनाने वाला कृष्ण है। तो ऐसा प्रेम संभव है। नारद जी ने कहा अपहत सकलई क्षणा मलात्मनि, चौथा स्कंद 31वां अध्याय। बोले जिस समय भगवत प्रेम में ऐषणाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा प्रेम संभव है, कठिन नहीं है, आसान है। ऐषणा तीन प्रकार की होती है, ऐषणा माने प्यास। पहली ऐषणा वित्तैषणा, पैसा मिल जाए, जिसके लिए हम लोग साधु बनने के बाद भी दक्षिणा के लिए लड़ते हैं, भंडारों में जाते हैं, क्यों दक्षिणा मिलेगी, ऐषणा ले जाती है। दूसरा
भोगैषणा या उसको दारैषणा भी कहते हैं, भोग की इच्छा। पुरुष स्त्री के पीछे पागल हो जाता है। तीसरी ऐषणा है लोकैषणा, मान सम्मान इज्जत की। तीनों ऐषणाएं सुधवित लोक ईषणा तीनी, कहके मन इन मलिन ने कीनी। उत्तरकांड में लिखा है गोसाई जी ने, ऐसा कौन माई कलाल है जिसके अंदर ये तीनों घोष ऐषणाएं घुस करके और उन्होंने गंदगी नहीं फैलाया है। भोग की ऐषणा और धन की ऐषणा, मान सम्मान की ऐषणा। नारद जी बोले, प्रचेता गणों, जब सभी ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं तब उस प्रेम, वो प्रेम बड़ा शक्ति संपन्न हो जाता है। उस प्रेम में इतनी शक्ति आ जाती है, एक आवाज लगाओ कन्हैया आ और वहीं हाजिर हो जाएगा, एक क्षण की देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम निर्मल मन से बुलाओगे तो वो आवाज हृदय से आती है। वो आवाज अभी नहीं आ रही है क्योंकि उसको लड्डू पेड़ाओं ने दाब रखा है, भोगों ने दाब रखा है, मान सम्मान ने दाब रखा है। हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए पागल हो जाते हैं भंडारों के लिए, दक्षिणाओं के लिए, और दो दो कोस चले जाते हैं पंगत के लिए। क्यों? कि ऐषणा जोर मार रही है। ऐषणाओं के रहते हुए वो प्रेम नहीं जागता है। वो प्रेम जो एक आवाज पे कृष्ण को सामने ला दे, वो प्रेम भोगी में नहीं होती है। आसक्तियां हमारी जीभ में हैं, आसक्तियां भोग में हैं, आसक्तियां शिष्ण में, योनि में हैं, तो इसलिए कृष्ण में आसक्ति नहीं है। नारद जी कहते हैं, प्रचेता गणों 10 भाई थे, प्रचेता गण 10 भाई थे, और दसों की एक ही स्त्री मारीशा, और कभी लड़ाई नहीं हुई, प्रेम बढ़ता रहा। क्योंकि नारद जी ने ऐसी शिक्षा दिया था, ऐषणा जब रहेगी नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। भोग की ऐषणा नहीं है, लड़ाई क्यों होती है? सौतिया डाह जैसे होता है वैसे रंडफा डाह भी होता है। ये ईर्षा राग ही द्वेष बनता है, काम एश क्रोध एश। तो जब मनुष्य के अंदर ऐषणा नहीं है तो लड़ाई होगी नहीं। दसों भाइयों में आज तक लड़ाई नहीं भाई, बल्कि पांडवों में तो हिस्सा बांट हुआ भी था। पांचों पांडवों के एक बहू थी द्रौपदी। तो नारद जी ने जाकर शिक्षा दिया था कि हिस्सा बांट कर लो भाई, स्त्री के पीछे लड़ाई होता है। 2 महीने 12 दिन एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी, फिर 2 महीने 12 दिन दूसरे भाई के पास, फिर 2 महीने 12 दिन तीसरे, इस तरह 5 भाई में साल भर बट गया। 1 साल को 12 हिस्से में बांटा गया, न 5 हिस्से में बांटा गया, तो 2 महीना 12 दिन एक आदमी के बट में आया। इस तरह से पांडव लोग द्रौपदी के पास रहे। लेकिन प्रचेता गणों में कोई बंटवारा नहीं हुआ, और ये कहा गया भागवत में कि प्रचेता गणों की जो कथा कहेगा उसके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी बंटवारा नहीं होगा, भाई भाइयों में कभी कलह नहीं होगा। ऐसा तो केवल एक राम के समय में हुआ है।
राम कहे तुम गद्दी पर बैठो, भरत भरत कहे नहीं तुम बैठो, इस बात पर मतभेद था। मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, बोले मैं नहीं बैठूंगा। तो प्रचेता गुणों को उपदेश दिया नारद जी ने कि ऐसा प्रेम करो भगवान में कि जिसमें ऐषणा नहीं हो। अपहत सकलैषणा मलात्मनि, ऐषणाएं अमलात्मा नहीं बनने देती, ले जाओ, निर्मल मन नहीं बन देती हैं, ऐषणाएं गंदा कर देती हैं, ऐषणाएं अंतःकरण को गटर बना देती हैं, मलमूत्र का कोठरा बना देती हैं, ऐषणा मनुष्य को कभी भी निर्मल मन नहीं बनाने देती हैं। तो नारद जी कहते हैं अपहत सकलैषणा मलात्मनि, सब ऐषणाएं जब खत्म हो गई तो निर्मल मन हो गया और अविरत मेधित और लगातार एधित उस निर्मल मन से जब तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे। न सरति छिद्रवद अक्षर सताम ही, जैसे आकाश को तुम निकाल नहीं सकते हो, लोटे में पानी है, पानी फेंक दो, हवा है, हवा को भी निकाल दो, वैकुम बन गया आकाश, आकाश को नहीं निकाल सकते, कितना भी कोशिश करोगे आकाश को नहीं निकाल सकते हो। छिद्रवद अक्षर सताम ही अविरत एधित भावनोपहूत, बोले उस प्रेम में, ऐसे प्रेम से जब श्री कृष्ण को बुलाओगे तो न सरति, बाहर नहीं जाएंगे, धक्का मारोगे तो भी नहीं जाएंगे, ऐसा प्रेम होता है। हम लोग लड्डू पेड़े की वासनाओं में मरते हैं, मलमूत्र की वासनाओं में मरते हैं, इसीलिए भगवान दूर हैं, बहुत दूर हैं। देवताओं ने स्तुति में कहा है यस्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहमित्यूढ दुराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम वसतो विपुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। तीसरे स्कंद में पांचवें अध्याय में श्लोक आता है, हम लोगों का मन कहाँ है, असत देह गे है, शरीर में है, घर में है, सानुबंध घर की सामग्रियों में है। अरे और तो और, एक लड़की दिल्ली से आई हमारे पास, हमने कहा तुम रुक जाओ सत्संग सुन जाओ, बोले स्वामी जी मैं कैसे रुक जाऊँ, दो पिल्ला है हमारे यहाँ, उनको कौन रोटी देगा, कौन को? हमने कहा अरे मनुष्यों में तो आसक्ति होनी ठीक है, कुत्तों में आसक्ति है, और कुत्तों के पीछे भगवान को छोड़ रही है, अब क्या समझा मैं उसको। तो इसलिए ममाहम इत्यूढ दुराग्रहणाम, मैं मेरा इसके पीछे, पुंसाम सुदूरम, भगवान बहुत दूर है, वसतो विपुर्याम, हृदय में है यहां लेकिन भगवान बहुत दूर है, क्योंकि मैं मेरा मम शरीर, मेरा शरीर, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, ये सब जब तक है वैसे भाषण देते हैं। मैं अरु मोर तोर तें माया, मैं और मोर तोर तें माया, जेही बस कीने जीवन निकाया, जेही बस कीने जीवन निकाया, मैं मेरा मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तू तेरा, हर आदमी इसी में नाच रहा है, ये बातें भगवान से दूर कर देती हैं। और
सेवा धर्म सिद्ध नहीं होनी देती हैं। यहाँ तक कि भक्तों की सेवा या भगवान की सेवा, ये बात असंभव है। देखो, एक भक्त हुए हैं, 8 वैष्णवों की वार्ता है, 8 वैष्णव लोग एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन करने ब्रज में आए और वहां गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से कृष्ण कथा सुनते रहे। एक कमजोर वैष्णव था, गरीब, जो ग्वारिया था, गैयाओं के गोबर उठाता था, वो नहीं आ पाया। और सात वैष्णव आए जो धनिक थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कथा कहिए। गोसाई जी बोले, जब तक वो 8वां नहीं आएगा तब तक हम कथा नहीं कहेंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो गरीब एक पैसा सेवा कर नहीं सकता है और हम लोग सेवा करते हैं, लाखों रुपए भेंट करते हैं। तो उन्होंने और वो सातों उसको छोड़ आए, वहीं भूखा प्यासा जहां रुके थे डेरा पर, वो रात को भूखा रहा। गो भक्त था, गोबर उठाता था, पैसा वाला तो था नहीं। तो रात को श्रीनाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण भी लड्डू और ओढ़ने का वस्त्र, अपनी सफेदी श्वेत वो लेकर के सफेदी गए और वो बेचारा सो रहा था। उसको क्या पता कि जागने वाला हमारे विरह में जाग रहा है। जब भक्त जागता है तो भगवान भी जागता है, भक्त भूखा रहता है तो भगवान को भी नींद नहीं आती। ठाकुर जी लड़ुआ लेकर के और ओढ़िया लेकर के गए, रूप बदल करके, और उसको जगाया। अरे भाई, ओ वैष्णव, हाँ उठ। देखा तो एक नया सा कोई व्यक्ति खड़ा है, हाथ में बड़ा मोटा सा लड्डू है, उसको बंटा भोग का लड्डू कहते हैं। वो रात को सोते समय मोटा सा लड्डू रखा जाता है कि शायद भूख लग जाए, जाने कब तो ठाकुर जी को दोबारा न खाना पड़े। अब वहाँ रात को फुलका कहाँ है, पूड़ी कहाँ है, तो मोटा सा लड्डू रख दिया कि एक लड्डू में काम हो जाए। तो देखा लड्डू मोटा सा लेकर के खड़ा है कोई आदमी, और बोले, भैया ये क्या है, तुम कौन हो? बोले, गोसाई जी ने भेजा है हमको। ये तो कह नहीं सकते कि हम श्रीनाथ जी स्वयं भगवान हैं,
छद्म कर रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं। बोले गोसाई जी ने भेजा है, उनको पता पड़ गया कि तू आया है अकेले, यहाँ खिरक में सो रहा है, भूखा है, ये लड्डू ले ले, ये ओढ़ैया ले ले, रात को ठंड लगेगी। उसने ले लिया और आनंद से लड्डू खाया। और जो ओढ़ैया ठाकुर जी ओढ़ते थे, सुफेदी कहते हैं, उसको ओढ़ करके खूब नींद लिया खर्राटे के साथ। और इधर श्रीनाथ जी ने कहा, देखो ये सात सेठ हैं, द्रव्य पात्र मने सेठ, ये जब आवें तो हमारा दर्शन मत कराना, ये गरीब वैष्णव को सुख छोड़े आए हैं। जो ग्वारिया है, गो भक्त है, धन के पीछे ये इन्होंने भक्त को छोड़ दिया, तो हमारा दर्शन इनको नहीं कराना। फिर वो सातों जब सवेरे गए, दर्शन नहीं भय, भीतरिया ने अधिकारी ने कहा तुमको दर्शन नहीं होगा, प्रभु की आज्ञा है। बोले गोसाई जी के पास गए और बोले हमको दर्शन नहीं मिलेगा का? वे बोले तुम लोग एक एक करके सातों जने इस वैष्णव की सेवा करो, जब ये प्रसन्न हो जाएगा तब तो तुमको श्रीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। मनुष्य को भक्तापराध से डरना चाहिए, नहीं सारी सेवा सारा साधन भजन नष्ट हो जाता है। ये भी वही चौथे बात नहीं सुनो वो निर्धन के धन हैं। जो मनुष्य भक्तों का अपराध कर लेता है उसको भगवान उसकी सेवा उसकी तपस्या उसका प्रेम स्वीकार ही नहीं करते हैं, उसको भोग भोग नहीं खाते हैं। तुम 56 भोग लगाओ, चाहे 58 लगाओ, चाहे 60 भोग लगाओ, ठाकुर थूकेगा भी नहीं, खाना तो दूर रहा। श्लोक देख लो वहीं पर है, न भजति कुमनीषणाम सैज्याम हरि अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। भगवान तो निर्धन का धन है, रसज्ञ है वह, ठीक है। श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये, जो तपस्या के मद से और धन के मद से श्रुत पढ़ने के मद से विदधति पापम अकिंचनेषु सस्सु, अकिंचन लोगों में पाप करते हैं उनका कभी भी भगवान सेवा स्वीकार नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। ऐसे लोगों को भगवान दर्शन तो क्या, उसकी कोई भी सेवा उपासना स्वीकार नहीं करता। हम अभी 10 दिन पहले एक गणेश जी उनको समझा रहे थे कि तुम लोग कहते हैं तो चले जाया करो, कुछ काम न करो, तुम केवल चले जाओ दूध पी के वापस आ जाओ।
सब लोग प्रसन्न रहेंगे। भक्तों को प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ा भजन है। बोले हमको श्री जी दर्शन देती हैं यहाँ। ये सुन करके हमारे तो मन में क्षोभ हुआ कि एक चांटा लगा दें इसको। अरे श्री जी तेरे जैसे को दर्शन देंगी? भगवत भक्तों की जो बात ही नहीं मानता है वो तो असुर है, उसको श्री राधा रानी दर्शन देंगी? तेरे जैसे असुरों को दर्शन देंगी? इतने भक्त लोग यहाँ रह रहे हैं, इतने इतने साधन कर रहे हैं लोग, दिन रात सेवा कर रहे हैं, और उनको तो दर्शन दे नहीं रहे हैं, तेरे जैसे को दर्शन दे देंगी श्री जी? मनुष्य समझता नहीं है, मूर्ख है, सत्संग करता नहीं है। बड़ा आश्चर्य हमको इसलिए आता है कि लोगों ने हमको बताया कि उसका असर औरों पर पड़ा। तुम लोग सत्संग ही नहीं करते हो, बाहर के लोग कितने आते हैं यहाँ बैठते हैं। तुम लोगों का दुर्भाग्य है कि तुमको भागवत गीता सुनने ही पसंद नहीं है, तुम्हारे मन मर गए हैं, तुम मुर्दा हो गए हो, तुम्हारे कानों में मल भर गया है, मैर भर गया है। नहीं तो ये ब्रह्म यज्ञ है, इस अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए तरसना चाहिए, इसे जागृति होती है। तुम्हारे मन मर गए हैं, तुम्हारी जिज्ञासा समाप्त हो गई है, तुम मुर्दे हो चुके हो। तुमसे हजार गुना ये लड़कियां छोटी छोटी अच्छी हैं, दौड़ के आती हैं, तुम साधु बन करके भी आलस करते हो, धिक्कार है। साधु बनने धिक्कार है। हम लोगों को आदर्श होना चाहिए। हमारे सामने अगर मोक्ष भी आ जाए, तीनों लोग की संपत्ति आ जाए, तो भी एक क्षण का सत्संग उसकी टक्कर नहीं ले सकता। देखो भागवत में कई जगह श्लोक आता है, पहला स्कंद में 18वें अध्याय में आया है, फिर चौथे स्कंद में यही श्लोक आया है 30वें अध्याय में, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताय शिशः। भगवत भक्तों को एक क्षण का संग भी, स्वर्ग के इंद्र पद को भी बेकार है। इंद्र के पास तो भोग मिलेगा और सत्संग में ऐसी बात सुनने की मिलेगी, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम। मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र लोक भी नहीं चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण भी नहीं। लव कहते हैं एक क्षण के नौवें हिस्से के नौवें हिस्से को, एक क्षण का 27वां लगभग 3000वां हिस्सा, इतनी देर का सत्संग भी मिल जाए तो उसके आगे मोक्ष भी व्यर्थ है। और हम लोग साधु बनकर के भी सत्संग, दुर्भाग्य है कि पड़े अपने अपने कमरों में सोते रहते हैं, ये अपराध लगता है। ब्रह्म यज्ञ है, 88,000 ऋषि एक साथ बैठते थे एक साथ। तुमको मान मंदिर का गौरव समझ में नहीं आता है कि कितने दूर से लोग आते हैं मानगढ़ में, और तुम पड़े सोते रहते हो, ऊपर से उतर के आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सब बातें सेवा धर्म में सिद्ध नहीं होनी देती हैं। देखो ये 8 वैष्णवों की कथा हमने इसलिए सुनाई कि हम अपराध से बचें और नहीं तो वैराग वैराग सब तपस्या अवश्य भस्म हो जाएगी। ये पद है सुनो, जगन्नाथ दास भक्तमाली सिद्ध महापुरुष में हैं, हमने 60 साल पहले उन्हीं के मुंह से ये पद सुना था।
हरि भगतन सो गर्व न करिबो, हरि भगतन सो गर्व न करियो। गर्व न करिबो, गर्व न करिबो, गर्व न करिबो, गर्व न करिबो, हरि भगतन सो गर्व न करिबो, हरि भगतन सो गर्व न करिबो। ये सबसे बड़ा अपराध है। परम पद वैकुंठ से भी उतर के राक्षस बनना पड़ेगा। छोटे मोटे साधु साधु बनने से क्या होता है? यह अपराध परम पद हूते, यह अपराध परम पद हूते, यह अपराध परम पद हूते, यह अपराध परम पद हूते। उतारे नरक में पड़िबो, उतारे नरक में पड़िबो, उतारे नरक में पड़िबो, उतारे नरक में पड़िबो, हरि भगतन सो गर्व न करिबो, हरि भगतन सो गर्व न करिबो। सेठ बन गए, हाथी घोड़ा पर चढ़ गए, या हवाई जहाज पर चढ़ गए, या गाड़ी पर मोटर पर चढ़ गए, गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी। ऊंट पर भी चढ़ते हैं लोग। राजस्थान में ऊंट को राजस्थानी जहाज कहा गया है। उस रेत के मैदान में हाथी नहीं चल सकता, घोड़ा नहीं चल सकता, रेगिस्तानी जहाज ऊंट चढ़ता है। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, भवसागर नहीं तरिबो, भवसागर नहीं परिबो, ए भवसागर नहीं तरिबो, भवसागर नहीं परिबो। हरि सेवी जश गायक को लघु, हरि सेवी यश गायक को लघु, हरि सेवी यश गायक को लघु, हरि सेवी यश गायक को लघु, मानत ने कुन डरिबो, मानत ने कुन डरिबो, मानत ने कुन डरिबो, मानत ने कुन डरिबो, हरि भगतन को सुगर्व न करिबो, हरि भगतन को गर्व न करिबो। अपनी गलती तो आदमी देखता नहीं है, हम कितना बड़ा भक्तापराध कर रहे हैं, और मिथ्या अहंकार करता है कि राधा रानी हमको दर्शन देती हैं। अपनो दोष निपट आधे पर, अपनो दोष निपट आधे पर, आधे भी पट है और अंधे, अपने दोषों को देखता नहीं, अंधा बन गया। अपना दोष मनुष्य नहीं देखता, श्रीहीन हो जाता है। हर आदमी थूकता है, हर आदमी निंदा करता है, सारी श्री चली जाती है, लेकिन अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं पड़ता। अपनो दोष निपट अंधे पर, अपनो दोष निपट अंधे पर, पर दोष कुतरकन जरिबो, पर दोष तर पर चढ़िबो। पराय दोष कुतर करता है, मेरी क्या गलती है। चतुरा चतुरताई
चतुराई करता है, वृथा वृथा चातुरी बाट जन्मते, वृथा चातुरी बाट जन्मके, वृथा चातुरी बाद जन्मते, वृथा चातुरी बाद जन्मते, भलो गर्भ में गिरबो, भलो गर्भ में गिरबो। इसका परिणाम क्या होगा? चतुराई से अपने दोषों को ढकने का, गर्भ में 84 लाख योनि में जाओगे, बच नहीं सकते हो। हरि भगतन सो गर्भ न करिवो, हरि भगतन सो गर्भ न करिवो। मनुष्य खाना पीना भोजन ऐशणाओं के पीछे पागल हो गया है। खान पान ऐणान भले जू, खान पान लेयान भले जू, खान पान ऐणान भले जू, खान पान लेयान भले जू, बदन पसारी नमरिबो, खा पी के अड़ाता है, अकड़ता है, क्या तुम मरोगे नहीं? बदन पसारी न मरिबो, बदन पसारी न मरिबो, कृष्णदास हित धर विवेक चित, कृष्णदास हित धर्म विवेक चित, कृष्णदास हित धर विवेक चित, कृष्णदास हित धर्म विवेक चित, साधुन संग उबरिबो, साधुन संग उबरिबो, साधुन संग उबरिबो, साधुन संग उबरिबो, हरि भगतन सो गर्भ न करिबो, हरि भगतन सो गर्भ न करिबो। भगवान के भक्तों से थोड़ा भी अपराध न हो जाए, डरते रहो, डरिबो मने भय करो कि हमारा लाखों जन्म का साधन नष्ट हो जाएगा। यह अपराध परम पद होते उतारे नरक में परिबो, सारी श्री चली जाएगी, परम पद में पहुंचने के बाद भी तुमको नरक जाना पड़ेगा, तब सेवा सिद्ध होगी। चाहे गो सेवा है, चाहे कोई भी सेवा है, भगवत सेवा है, गो सेवा है, मनुष्य को नष्ट कर देती है। स्मय अगर अहम आ गया, सारी श्री चली जाएगी, एक क्षण में चली जाएगी। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए, और तभी ये सेवा हमको उचित फल देगी। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तनक ढरो, बाण दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीन
मिलन पेशामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निजुजरो, विविध ताप ताप निजुजरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही अभिचरो, दीन पालनी ही अभिचरो, दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे